अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है हम बनाने वाले हैं बिरयानी आलू छोले की। तो यहाँ पे जो है हमने प्याज ब्राउन करने के लिए डाल दी थी। हमने प्याज जो है कितनी ली थी, एक पाव हमने इसके अंदर प्याज ली थी और ब्राउन करके हमने निकाल लिया। अब जो है इसके अंदर सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों का जो आप लोगों को पता है क्या क्या होता है, तेज़पात होता है, गोल मिर्ची होती हैं और ज़ीरा, लौंग वगैरह सब चीज़ होती है। और यहाँ पे जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई मिर्चें, मतलब हरी जो मिर्ची हमने उनको कूट लिया था तो वो भी हमने ऐड कर दिया। उसको फ्राई करके हम इसके अंदर डाल दिए टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं आधा किलो, हमने इसके अंदर टमाटर लिए थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब जो है इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं 2 टेबल स्पून भर के चिल्ली फ्लेक, मतलब कुटी मिर्चें। और यहाँ पे जो है मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। और इसमें जो है हमने ऐड कर दिया है साबुत धनिया कुटा हुआ। और यहाँ पे जो है हम प्याज डालेंगे 1 चम्मच जो हमने निकाल ली थी उसमें से फ्राई की हुई। और इधर जो हमने तो छोले ऐड कर दिए हैं मसाले के साथ ही, इसको भूलेंगे कि इसके अंदर भी टेस्ट चले। और यहाँ पे जब हमने आलू डाल दिए हैं, हमने आलू के जो छिलके उनको पील नहीं किए, हमने ऐसे डाल दिए। और इसके अंदर जो है आप 2 कनौर क्यूब्स डालेंगे। कनौर क्यूब से ये होता है कि जो बाहर का टेस्ट होता है बिरयानी वगैरह वो आता है। तो यहाँ पे जो हमने अपने सैला चावल भिगा दिए थे, सैला चावल जो हमने यहाँ पे लिए 2 किलो और ये अच्छे से भीग चुके हैं, 2 घंटे के लिए भिगाए थे हमने। और अब जो है इससे यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। हमने बड़ा वाला भगोना ले लिया था उसमें बनाने के लिए, क्योंकि चावल ज़्यादा थे और हम लोग क्या सूर्य मुजम्मिल थी, तो हम मम्मा ने तक के नाम है सूर्य मुजम्मिल में बिरयानी बना ली थी। तो यहाँ पे जो है हमने दही भी ऐड कर दिया था और अब इसके अंदर जो है चावल ऐड करेंगे। मेरी फिर फालतू में जो अपनी मेहंदी दिखाई जा रही है, जैसे कि बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो है हमने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी जो है इसके अंदर जाएंगे कितने जग, मतलब पानी इसके अंदर जाएंगे 2 जग भर के, क्योंकि चावल ज़्यादा है, चावल भीगे हुए भी हैं, तो इसलिए 2 जग पानी डालेंगे हम इसके अंदर। तो अब जो है हमने, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गर्म मसाला। गर्म मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है चावलों का। और आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किएगा ये बिरयानी, उनको बहुत मज़े की लगेगी, चटपटी सी बिरयानी है। और यहाँ पे जो हमने इसके अंदर डाल दिया है केवड़ा सेल हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच, मतलब 1 टी स्पून केवड़ा सेल डालेंगे। यहाँ पर जो हमने हरी मिर्चें ली हैं वो भी हमने ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर जो है हमने लीमू ऐड कर दिया है। लीमू जो है 2 अदद हमने इसके अंदर लीमू ऐड किए हैं। लीमू का जो है अच्छे से रस निकाल लेना। और यहाँ पे जो है हमारी जो बिरयानी है उसका पानी अच्छे से सूख गया, तो हम इसके अंदर जो है हरा धनिया, पुदीना और प्याज की लेयर लगा देंगे, मतलब दम करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरे मम्मा पापा खाना बना रहे थे और इसमें मैं नींबू भी लगा दी हूँ। उसके ऊपर जो है अब हम फूड कलर ऐड कर देंगे कि चावल का जो कलर होता है बिरयानी का कलर वो हो जाए थोड़ा सा ऑरेंज। और ये जो हैदराबादी पुलाव जो होता है वो वाला है ये। और यहाँ पे जो हमारी बिरयानी अच्छे से बन चुकी है, देखिए कितनी मज़े की लग रही है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, ये आपकी फैमिली को बहुत मज़े की लगेगी, बिल्कुल ही बाहर की तरह है बिरयानी। और लाइक करें, जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें, फिर आके हमारी वीडियो वॉच करें और खा के ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे जो है अब हमें निकालनी है अंदर सर्व करने के लिए, तो मैंने कहा आपको भी सर्व कर देते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि हमारी न्यू रेसिपी आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय।